इनकी रेसिपी है और इन्होंने बड़े तरीके से इसको तैयार किया है। हम इस बाल्टी गोश्त को खाएंगे और भाई ये बाल्टी गोश्त तैयार हो रहा है मटन प्लेटर के लिए। एक आइटम करके सर्विंग इस मटके में होती है चले। और इसके अंदर तीन मेन आइटम है जिसमें मटन बिरयानी एक किलो, गुन्ना है, इसके अलावा मटन बाल्टी गोश्त है। चार नान दे रहे हैं, इसमें रायता दे रहे हैं, सलाद दे रहे हैं और ये प्लेटर हम दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए। ये हांडी लेके और ये बाल्टी लेके Assalamualaikum दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई मैं मौजूद हूँ अगेन देसी फूड्स पे और देसी फूड्स पर मैं आया हूँ ये हांडी लेके और ये बाल्टी लेके। लेकिन ये हांडी और बाल्टी का काम शुरू नहीं कर दिया मैंने, इन्होंने एक्चुअली हांडी के अंदर कुन्ना और बाल्टी के अंदर मटन का बाल्टी को स्टार्ट किया है। इनका मटन प्लेटर है जिसमें तीन आइटम है, उसको रिवील करते हैं, खाते हैं, रिव्यू आपसे शेयर करते हैं, उसकी मेकिंग दिखाते हैं और आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको फूड दिखाते रहेंगे और कमेंट्स में आपको अपडेट देते रहेंगे। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, आ जाइए। प्रेजेंटेशन के लिए हम इसके अंदर वेजिटेबल ऐड करेंगे। हाँ फिलहाल में वेजिटेबल ऐड ले लिया चाचा। भाई बाल्टी गोश्त की मैरिनेशन और इसकी डेकोरेशन हो रही है इस वक्त और ये बाल्टी गोश्त तैयार होके सर्विंग पोजीशन पे आ चुका है। शेफ जिया भाई हैं इनका, इनकी रेसिपी है और इन्होंने बड़े तरीके से इसको तैयार किया है। हम इस बाल्टी गोश्त को खाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे अपना रिव्यू। ये देख रहे हो ये कुन्ना है, ये सेमी रेडी कुन्ना होता है आपके पास, ये रेडी होता है, ये रेडी होता है, सेमी रेडी होता है। जो रेसिपी है वो 6 से 7 घंटे लगता है, 6-7 घंटे फौरन बनाएंगे तो 6 से 7 घंटे, जाहिर सी बात है। इसलिए हम इसको रेडी करके हम सर्विंग इसके ऊपर स्टाइल के अंदर फिर हम इसको रेडी करके सर्विंग इस मटके में होती है। चलें ग्रेट भाई, ये मैरिनेशन स्टार्ट हो गई है इस मटके के अंदर इसकी कुन्ने की और ये इस तरीके से मैरिनेट होता है बाल्टी गोश्त, इस तरीके से मैरिनेट होता है देन सर्व हो जाता है। देखो ये सारी बाल्टियाँ, ये सब धो के मटके बाल्टियाँ रखे हुए हैं क्योंकि सर्व किए जाते हैं और इनके ये सीक्रेट मसाले मौजूद हैं। देखिए भाई तखत पे फैमिलीज बैठी हुई, उधर सेपरेटर लगा हुआ है, आराम से आप अपनी फैमिली के साथ पर्दे में बैठ के खाना खा लें। देसी फूड्स का मेन्यू चेक करें आप, सारा मेन्यू इसमें अवेलेबल है। उसके अलावा जो इनकी मेन डील है वो डील है इस वक्त मटन प्लेटर की। इसके अंदर तीन आइटम है, एक है मटन कुन्ना, एक है मटन बाल्टी गोश्त और एक है मटन बिरयानी। अच्छा भाई फरूख भाई कैसे हैं आप? आपने फिर दोबारा एक मटन प्लेटर स्टार्ट कर दिया मार्केट में, क्या चीज़ है? जी भाई अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। ये मटन प्लेटर है और इसके अंदर तीन मेन आइटम है जिसमें मटन बिरयानी एक किलो, क्वार्टर मटन कुन्ना है, इसके अलावा मटन बाल्टी गोश्त है। और ये मटन प्लेटर जो है इसके साथ चार नान दे रहे हैं, इसमें रायता दे रहे हैं, सलाद दे रहे हैं और ये प्लेटर हम दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए। और कितने लोगों की सर्विंग है? ये 4-5 अफराद आराम से इसको खा लेंगे इंशाल्लाह। ये किसी महदूद मुद्दत के लिए आपके पास ये लिस्टेड प्रोडक्ट है? ये प्लेटर तो ये चलेगा, रेट्स इसके जाहिर सी बात है वक्त के हिसाब से चेंज होते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया फरूख भाई, जदा कर। तो भाई ये सीन ऐसा है कि मैंने कोई पांडे कली कराने का और पुराने नमे बनाने का काम शुरू नहीं कर लिया है। ये है बाल्टी, ना इसके अंदर लस्सी आएगी ना इसके अंदर दूध आएगा, इसके अंदर आएगा आपका बाल्टी गोश्त मटन का और इसके अंदर इस हंडिया के अंदर आएगा
मटन का कुन्ना। भाई आप ये चेक करें, फैमिलीज बैठी हुई है सुकून से, और इन फैमिलीज के लिए सेपरेटर लग जाता है अगर कोई पर्दे वर्दे का सीन हो। इसी तरीके से अंदर भी एक फैमिली बैठी हुई है, उन्होंने पर्दे के लिए सेपरेटर लगा दिया और आप आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। और ये आ गई मटन बिरयानी भरपूर, ये तीनों आइटम मिलकर प्लेटर कम्प्लीट हो जाता है भाई। चार रोटी है, नान और बाल्टी गोश्त है, कुन्ना है और ये मटन बिरयानी, ये सब कुछ मटन में है, ये सब कुछ मटन में है। देखो भाई ये सामान तो रिसीव हो चुका है, इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए हम इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई मेरा ऑर्डर आ चुका है और मैं अब इसको टेस्ट करता हूँ। देखो भाई ये है बाल्टी गोश्त, सॉरी ये है मटन कुन्ना, ठीक है। ये इसमें नजर आया मटन का पीस, ये हमने फौरन पकड़ लिया, इससे पहले कोई और यूट्यूबर पकड़ ले। और इसके साथ मुझे ये लेसदार नेहारी स्टाइल का कुन्ने का गोश्त सालन नजर आ रहा है ग्रेवी, और ये नो डाउट बड़ी जबरदस्त होती है। कुन्ना मैंने बहुत जगहों पे खाया है और मुझे बड़ा पसंद है कुन्ना, देखते हैं इन्होंने कैसे बनाया। अच्छा ये है बाल्टी गोश्त, इसकी मैरिनेशन हम चमचा चलाते हैं तो ऑब्वियसली हट जाती है, तो हमने इसको चमचा चला कर नीचे से माल पानी निकालना था तो इसकी मैरिनेशन जो है वो हट गई है। अब मैं इसमें से कुछ गोटियां और थोड़ा सालन निकालता हूँ ताकि ये इससे मिक्स ना हो और मैं आपको प्रॉपर रिव्यू दे सकूं। इस तरफ मैं थोड़ा सा रख रहा हूँ, सही है भाई। रोटी आ गई है, ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले मैं जाऊंगा बाल्टी गोश्त की तरफ क्योंकि वो मिक्स ना हो जाए। गरम गरम हो रहा है, भी नीचे से निकाला, अदरक पड़ी हुई है इसके ऊपर। नॉर्मली देसी फुलके खाने जायकेदार होते हैं, टेस्टी होते हैं। मैं ये किसी रिव्यू के पेड रिव्यू के लिए नहीं कह रहा, ये रियलिटी है। और भाई से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत जबरदस्त बाल्टी गोश्त मटन का, एक कढ़ाई सा कढ़ाई का सा टच आ रहा है और एक डिफरेंट सा भी टच आ रहा है। अब आप ट्राई करेंगे तो बताएंगे मुझे, सेकेंड करेंगे नहीं करेंगे। अच्छा सेकेंड मैं मटन कुन्ना ट्राई करता हूँ। जो रिवायती मटन कुन्ने मैंने ट्राई किए हैं बकरे के और दुम्बे के, ये उस तरह का है, ये उससे बेहतर है। मैं थोड़ी सी ग्रेवी भर लेता हूँ, चेक करें आप ये। ओहो अरे मटन कुन्ना खाने के बाद जो एक टेस्ट आता है ना आपके टेस्ट बड्स में, आपको एक फील आता है कोई पायल पायल और निहारी का मिक्स है, एक टेस्ट है वो मटन कुन्ने का निकलता है। मटन कुन्ने का जो ऑथेंटिक ओरिजिनल टेस्ट है एग्जैक्टली वही ओरिजिनल टेस्ट है ये। अगर आपने मटन कुन्ना खाया है, नस्ली मटन कुन्ना खाया है, तो आप यकीनन मेरी बात को सेकंड करेंगे। अब मैं इनकी ट्राई करता हूँ मटन बिरयानी है। हमारे एक दोस्त हैं यूट्यूबर, उन्होंने खाना खा लिया है, उनका थोड़ा सा पेट है, हम उनकी प्लेट में बिरयानी ट्राई करते हैं। देखें ये आ गई इनकी बिरयानी, और कोई एक बोटी पकड़ता हूँ अच्छी सी ये वाली, ठीक है भाई। थोड़े से वाइट चावल, और मैं इसको अब खाकर आपसे शेयर करता हूँ। देखें ये आ गई बिरयानी की बोटी और ये चावल, चेक करें। ये हमेशा बासमती में बिरयानी बनाते हैं, चाहे कोई भी बिरयानी बनाए। बिरयानी का इनका सीन ऐसा है कि इनके पास बिरयानी हमेशा बासमती राइस में बनती है और बड़ी जूसी बनती है, जूसी बिरयानी। बिरयानी खाने वाला इनकी बड़ी लाइक करता है। तो भाई मेरे इस छोटे से रिव्यू को जो कि मैंने आपसे शेयर किया अपना एक्सपीरियंस, आप आए विजिट करें, चेक करें, तो बताएं कि मैं आपसे सही कह रहा था गलत कह रहा था। अगर मेरा रिव्यू ये ऑथेंटिक है तो जरा कमेंट में थोड़ा सा शाबाशी दे दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो पे, किसी और स्पॉट पे, किसी और जगह पे। और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, बड़ा फ्यूल का काम करता है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।